रामनवमी झांकी आज रांची के दोरंडा स्थित राम मंदिर में दिखी। यहां ढोल नगाड़ों से वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा भगवान राम की आरती हुई। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय, रांची के SSP सुरेंद्र कुमार झा एवं अन्य लोग मौजूद थे। आज आप सबों को सभी की ओर से शुभकामना है। रामनवमी कल है, कल हम लोग और उत्सव के साथ फेस्टिविटी के साथ रामनवमी के जुलूस में भाग लेंगे जगह जगह। सुबोध भाई तो यहीं रहेंगे, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है लोहरदगा वहीं चले जाएंगे हम। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की याद में यह उत्सव मनाते हैं और उत्सव हम सबको मनाना है, शांतिपूर्वक मनाना है। रामनवमी के दिन ही मेरा जन्म हुआ। भगवान राम का तो शायद भोर में हुआ, मेरा 12 बजे दिन में लगभग हुआ, 11:30-12 बजे का समय रहा। उसमें घड़ी तो होती नहीं थी, लेकिन सूरज से लोग नापते थे कि 12 बजे की उससे कम है। सूरज सीधे हो गया, सीधे माथा के नीचे आया तो 12 बजा, कम रहा तो कम बजा, ढल गया तो ज़्यादा बजा। सूरज ही घड़ी हुआ करते थे, उसमें घड़ी होता था। तो उस दिन रामनवमी के दिन ही हुआ, इसलिए मेरा नाम रखा गया था राम ईश्वर। लेकिन स्कूल में गए तो राम धन ईश्वर रामेश्वर हो गया। देखिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हम सभी मानते हैं, दुनिया मानती है। तो हम शांति और सौहार्द वातावरण में इस पर्व को मनावें, उत्सव में शामिल हो सभी बच्चे नर नारी सभी शामिल हो हम, लेकिन शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो और भगवान राम को याद करें, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम थे और रामराज की कल्पना गांधी जी ने की थी, उसी रामराज की ओर हम लौटें और सब कोई दुखी नहीं हो। सब जनता जितनी है नागरिक, यहाँ का तो जनता नहीं नागरिक हैं हिंदुस्तान के, झारखंड के, सभी सुखी रहें यही कामना करते हैं। बहुत धन्यवाद। देखिए रामनवमी बहुत धूमधाम से इस वर्ष पूरे रांची शहर में हटिया विधानसभा क्षेत्र में लोग मना रहे हैं और इस उत्सव में हम लोग शामिल होके रामनवमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामना सभी को दे रहे हैं। आप सभी और हम लोग जानते हैं कि 2 साल कोरोना महामारी के चलते पर्व त्यौहार पर भी कोरोना का ग्रहण लग गया था। अब अजब सा माहौल है, लोगों में उत्साह है और भगवान श्री राम की रामनवमी में हम लोग मिलजुल कर एकजुट होकर शांति से अपने रीति रिवाज रिचुअल को अपने पूरा कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत रामनवमी की बधाई और शुभकामना देता हूं। देखिए झांकी निकल चुकी है डोरंडा में, 3 दिन का अनुष्ठान होगा। आज महाअष्टमी है, कल महारामनवमी है और 11 तारीख को चैती दुर्गा पूजा की विसर्जन शोभा यात्रा। 2 साल के कोरोना काल के बाद लोगों में उत्साह है, उल्लास है। सरकार के गाइडलाइन का भी पालन करना है और त्यौहार भी मनाना है, लोग उत्साहित हैं। डोरंडा जो पूरी तरह से सद्भावना गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक माना जाता है, यहाँ पर भाईचारगी के साथ उत्सव मनाए जाएंगे। अभी जुलूस निकल गया है, कल रामनवमी के जुलूस शोभा यात्रा निकलेंगे और तपोवन मंदिर में राम और भरत का जो मिलाप होता है, जो वर्षों परम्परा हमारी रही है, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम लंका पर फतह हासिल कर आते हैं और राम और भरत की मिलाप होती है, उसी तर्ज पर झारखंड में तपोवन राजधानी रांची में डोरंडा और रांची का भरत मिलाप होती है। तो ये सारी परंपराओं का निर्वहन करते हुए हम उत्साहपूर्वक रामनवमी के उत्सव को मनाएंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।